हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रेटेड मैंगो पिकल, जिसे हम ग्रेट किए हुए आम का अचार भी कहते हैं। इसे आप बनाकर सालों तक रख सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। हमने लगभग 6 मीडियम साइज के आम लिए हैं कच्चे। अब इनके छिलकों को अलग कर लेंगे। छिलकों को अलग करने के बाद हम इसे ग्रेट कर लेंगे। और ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इस चटनी में यूज करेंगे। ये हमने हाफ कप सरसों का तेल लिया है और ये हमने लहसुन और अदरक लिया है। अदरक को हमने छील लिया है। और ये हम हल्दी, कलौंजी, मेथी, लाल मिर्च पाउडर, राई दाना, सौंफ, जीरा और सॉल्ट लेंगे। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हमने जो आम को ग्रेट किया है इसे हम एक प्लेट पे फैला देंगे। आप चाहें तो इसके वाटर को अच्छे तरह से निचोड़ कर भी फैला सकते हैं। अब इसे हम धूप में 1 घंटे के लिए रख देंगे। और ये हम हल्दी, लाल मिर्च और नमक को अलग कर लेंगे और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को एक फ्राइंग पैन में डालेंगे। राई दाना की जगह पे आप पीली सरसों भी डाल सकते हैं। अब इन सभी को हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे और इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हींग डाल के हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब मसालों में से अच्छी स्मेल आने लगे और ये थोड़ा थोड़ा चटकने लगे तब हम फ्लेम ऑफ करेंगे। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमने जो लहसुन और अदरक लिया है उसे हम एक खलबट्टे में डालेंगे, जिसे हम वाटर एंड पेस्टल बोलते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से क्रश करेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छी तरह से ये क्रश हो गया। अब हमने जो मसाले लिए थे वो ठंडे हो गए हैं, उसे हम एक मिक्सर जार में डालेंगे और उसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट डालने से ये अच्छी तरह से पिस जाएगा। अब इसे हमने पीस लिया। हमने इसे बहुत बारीक भी नहीं पीसा है और बहुत मोटा भी नहीं पीसा है। और जो हमने आम रखे थे वो धूप में अच्छे तरह से सूख चुके। आम को हम एक बड़े बोल में डालेंगे। आप आम को 1 या 2 घंटे से ज्यादा धूप में ना रखें। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और इसमें हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। हमने लगभग 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। आप और भी डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट डालने के बाद हमने जो लहसुन और अदरक क्रश किए थे उसे डालेंगे। अब हम इसमें जो हमने मसाले पीसे हैं उसे डालेंगे। हम मसालों को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब हम इसे एक स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करेंगे। आप अदरक और लहसुन का अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। अब हमने इसे मिक्स कर लिया और जो हमारे बाकी बचे मसाले हैं उसे भी डाल देंगे। डाल के इसे बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स कर लें। अब इसे हमने अच्छे तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। हमने लगभग 1/2 कप सरसों का तेल लिया है। पहले हम थोड़ा ही तेल डालेंगे। एक बार इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने तेल बचाए हैं उसे भी डाल देंगे। आप तेल अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। हमने इसमें बस 1/2 कप तेल ही डाला है। अब इसे हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम इसे एक ग्लास जार में भर के 10 से 12 दिन तक धूप में रखेंगे, या इसमें और भी समय लग सकते हैं। 10 से 12 दिन के बाद हमारी चटनी बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गई है और ये बहुत गल भी गई है। हमारी ग्रेटेड मैंगो पिकल बनकर तैयार है। आप इसे चटनी या पिकल दोनों बोल सकते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।